प्राइवेटली uh, ख़ुद से विदाउट टेकिंग देयर परमिशन यूज़ नहीं कर सकते ठीक है ये सिर्फ आपको एकेडमिकली uh, समझाने के लिए और बताने के लिए है कि आपने किस तरह इन स्केल्स को यूज़ करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ आप जहाँ कहीं पे भी काम करेंगे उनके पास परमिशन होगी या उन्होंने परचेज किए होंगे तो वो स्केल्स आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यंग मेनिया रेटिंग स्केल के अंदर जो आइटम्स हैं वो इस तरह दिए गए होंगे जिस तरह एलिवेटिड मूड है तो उसके ऊपर नीचे जो है वो फाइव पॉइंट स्केल के ऊपर आप अगर देखो तो रेटिंग है जिस तरह ज़ीरो जो है दैट इज़ एबसेंट वन जो है माइल्डली और पॉसिबली इनक्रीज और ऑन कोशनिंग सेकेंड जो है दैट इज डिफाइन सब्जेक्टिव एलिवेशन थर्ड जो है वो एलिवेटेड इन अप्रोप्रिएट टू कंटेंट नंबर फोर जो है वो यूफोरिक इनप्रोप्रिएट लाफ्टर तो ये इस किस्म का जो एलिवेटेड मूड है वो हमने क्लाइंट से पूछना होगा और जहाँ पर उसको लगेगा कि उसका मूड जो है वो रेट होना चाहिए वो वहाँ पर उसको क्लिक कर देगा ठीक है और देन इसी तरह स्लीप है जैसे ज़ीरो पे आप देखें रिपोर्ट नो डिक्रीज इन स्लीप स्लीपिंग लेस दैन नॉर्मल अमाउंट बाई अप टू वन आवर तो इस तरह जो है वो डिफरेंट रेंजेज जो हैं वो दी गई हैं इसी तरह कॉन्टेंट है नॉर्मल है क्वेश्चनेबल प्लान हैं न्यू ट्रस्ट है स्पेशल प्रोजेक्ट है हाइपर रिलीजियोसिटी है ग्रेंडियॉर है पैरानोइड आइडियाज हैं आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस हैं डिजन हैं हलूसिनेशन हैं तो इस तरह कॉन्टेंट भी जो है वो मैं किया जाएगा इसी तरह इनसाइट है आइदर द दिन इज प्रेजेंट और नॉट जैसे प्रेजेंट एडमिट इलनेस एग्री विद नीड फॉर ट्रीटमेंट इस पे जीरो है पॉसिबली एल नंबर सेकेंड के ऊपर एडमिट्स बिहेवियर चेंज बट बटनाई तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही हैं और इसके ऊपर जो क्लाइंट ने है वो अपनी रेटिंग देनी होती है और उसकी बेसिस के ऊपर स्कोरिंग करके हमें ये आइडिया होगा कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो कितने लेवल के ऊपर है देन हम यहाँ पे देखते हैं जनरल बिहेवियर इन्वेंट्री जो कि पेरेंट वर्जन है ठीक है अब पेरेंट्स को हम ये इन्वेंट्री देंगे और इसकी बेसिस के ऊपर जो उनकी ऑब्ज़रवेशन है उसकी बेसिस के ऊपर वो क्लाइंट को रेट करेंगे जिस तरह ज़ीरो है नेवर और हार्डली एवर वन है सम टाइम टू है ऑफन थ्री है वेरी ऑफन और ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली तो जब हम उनको स्केल देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें आइटम लिखे हुए हैं वन से लेकर तो टेन तक इन आइटम्स को वो पढ़ेंगे और इस साइड के ऊपर वो अपना जो है रिस्पॉन्स देते रहेंगे जैसे नंबर वन है हैज़ योर चाइल्ड एक्सपीरियस पीरियड ऑफ सेवरल डेज और मोर वैन ऑल दो ही और शी वॉज फीलिंग अन हैप्पी एंड इंटेंसली अनर्जेटिक क्लियरली मोर देन योर चाइल्ड यूजअल सेल्फ ठीक है तो इस तरह की ये पूरी स्टेटमेंट है वो जिसको पढ़ेंगे और फिर उसके जो है वो रिस्पॉन्स देंगे ठीक है इसी तरह दे वर लाइक आस्किंग अबाउट दैट फीलिंग अन यूजअली हैप्पी एंड इंटेंसली अनर्जैटिक एंड हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू कंट्रोल इनर फीलिंग ऑफ रेज और अर्ज टू स्मैश और डिस्ट्रॉ थिंग्स ठीक है तो इस तरह जो हैं आइटम्स वो बार बार पूछेंगे उनसे ताकि उनको आइडिया हो सके कि जो बच्चा है उसको कोई मूड डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है बायपोलर का प्रॉब्लम है या नहीं है तो इस तरह के सारे आइटम्स को यहाँ पर रेट किया जाएगा और उसके बाद जो भी उसकी टोटल स्कोरिंग है उसकी बेसिस के ऊपर उसके जो प्रॉब्लम का लेवल है यानी माइल्ड है स्वेयर है या मॉडरेट है उसको आ, जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा थैंक यू